नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइव। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइव पर इस वक्त की बड़ी खबर। सिवान के हसनपुरा प्रखंड परिषद से शनिवार को वीडियो डॉक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया, जो हसनपुरा टैक्सी स्टैंड चौक पर समाप्त हुआ। जल जीवन हरियाली को लेकर रविवार को बनने वाले राज्य व्यापी मानव श्रृंखला के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान जल जीवन हरियाली होगी, जीवन में खुशहाली होगी, पेड़ लगाएं, धरती बचाएं, 19 जनवरी को आएंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे आदि नारे लगाए गए। इस मौके पर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार, बीओ और किशोर राम, प्रखंड नाजी सत्येंद्र कुमार माझी, अरविंद यादव, सत्येंद्र कुमार पंडित, सुदामा राम समेत प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के कर्मी इस मशाल जुलूस में शामिल हुए। मशाल जुलूस हम लोग निकाले ताकि कि मानव श्रृंखला से ठीक पहले हम लोग लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और इस महाअभियान को सफल बनाएं। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग ये मानव श्रृंखला कर रहे हैं, जो दहेज प्रथा, शराबबंदी, जल जीवन हरियाली का, तो ये सारे मकसद सही से सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँच सके, इसी उद्देश्य लेकर के हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। सर, ये मानव श्रृंखला कितनी लंबी बनेगी? यहाँ हमारे यहाँ दो लाइन बनी है, एक रफीपुर से रजनपुरा तक का 10 किलोमीटर का और दूसरा हसनपुरा बाजार से लहजी बाजार तक का 6 किलोमीटर का, कुल 16 किलोमीटर का मानव श्रृंखला का लाइन है। सर, ये कितने बजे शुरू हो जाएंगे? ये मानव श्रृंखला 11:30 से लाइन लगेगा, 11:30 से 12, आधे घंटे का लाइन होगा और इसी मानव श्रृंखला का यही टाइम। कितने सेक्टर में बांटा गया है? ये हम लोग 16 सेक्टर में बांटे हुए हैं और प्रत्येक सेक्टर को 10 समन्वयक जो कोऑर्डिनेटर हैं उनमें बांटा गया है, तो हमारे यहाँ कुल 160 समन्वयक और 16 सेक्टर पर अधिकारी लगे हुए हैं।